कल तक जिन चमगादड़ों के जरिए कोरोना फैलने के आरोप लग रहे थे, उन चमगादड़ों की अचानक मौत से सनसनी फैल गई है। गोरखपुर के एक बगीचे में 300 चमगादड़ों की मौत से दहशत बढ़ गई है। गोरखपुर के बेलघाट गांव में मंगलवार सुबह बड़े पैमाने पर चमगादड़ों के शव देखकर लोगों की भीड़ जुट गई। गोरखपुर के ही एक और बगीचे में 52 चमगादड़ों ने एक साथ दम तोड़ दिया। इसी तरह बैतूल में भी चमगादड़ों पर कहर टूट रहा है। यहां दर्जनों चमगादड़ों की मौत से लोग डरे हुए हैं। पेड़ से लटके चमगादड़ों के शव नीचे जमीन पर गिर रहे हैं। अचानक इन चमगादड़ों की मौत से लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। एक साथ इतने चमगादड़ों के मरने के पीछे क्या वजह है? आशंका जताई जा रही है कि बहुत ज्यादा गर्मी और पानी की कमी की वजह से चमगादड़ों की मौत हो रही है। ज्यादा मात्रा में कीटनाशक के छिड़काव को भी इसकी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। सच जानने के लिए गोरखपुर और बैतूल से चमगादड़ों के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। देखिए, ये हीट स्ट्रोक से सभी वन्य जीव पे एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, तो उसी तरह बैट्स पे भी हीट स्ट्रोक का इफेक्ट पड़ता है। तो अब ये एक बार पोस्टमार्टम आ जाता है, फिर हम उसमें डिटेल से बता सकते हैं क्या रीजन क्या डेथ का। महामारी के बीच चमगादड़ों की अचानक मौत से लोग डरे हुए हैं। गोरखपुर और बैतूल में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, ये मौसम भी मौत की वजह हो सकता है। फिर भी जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद चमगादड़ों की अचानक मौत पर तस्वीर साफ होगी। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी के साथ, बैतूल से राजेश भाटिया।